बॉर्डर तो मंदभागी खबर सामने आ रही है। करनाल के रहने वाले संत राम ने खुदकुशी कर ली। किसान अंदोलन के शामिल सके संत राम जी। हाँ, तुहानू दस दिए कि सिंघू बॉर्डर से बहुत लंबे समय तो जो किसान ने वह धरना लगा के बैठे हुए हैं, तो वख-वख शहर पिंड तो लोग इस दे विच शामिल हो रहे हैं, जिस दे विच संत राम भी एक सन। पर संत राम ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने का कारण हाले तक पता नहीं लग सकया है, जिसकी वजह पता की जा रही है। पर यह दसणयोग है कि इस अंदोलन नू चलदे काफ़ी दिन बीत चुके ने, पर कोई भी फैसला इत्थे नहीं आया। किसान खेती कानून रद्द करवाउण ते डटे हुए ने, ते केंद्र सरकार उन्हां दी एक नहीं सुन रही। अजिहे हालातां दे विच किसानां दी मौत भी हो रही है, ते कुछ किसान खुदकुशी कर रहे ने, जिवें कि संत राम जी ने खुद नू गोली मार के खुदकुशी कर ली। सिंघू बॉर्डर तो मंदभागी खबर सामने आ रही है। करनाल के रहने वाले संत राम ने खुदकुशी कर ली। किसान अंदोलन के शामिल सके संत राम जी। हाँ, तुहानू दस दिए कि सिंघू बॉर्डर से बहुत लंबे समय तो जो किसान ने वो धरना लगा के बैठे हुए हैं, तो वख-वख शहर पिंड तो लोग इस दे विच शामिल हो रहे हैं, जिस दे विच संत राम भी एक सन। पर संत राम ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने का कारण हाले तक पता नहीं लग सकया है, जिसकी वजह पता की जा रही है। पर यह दसणयोग है कि इस अंदोलन नू चलदे काफ़ी दिन बीत चुके ने, पर कोई भी फैसला इत्थे नहीं आया। किसान खेती कानून रद्द करवाउण ते डटे हुए ने, ते केंद्र सरकार उन्हां दी एक नहीं सुन रही। अजिहे हालातां दे विच किसानां दी मौत भी हो रही है, ते कुछ किसान खुदकुशी कर रहे ने, जिवें कि संत राम जी ने खुद नू गोली मार के खुदकुशी कर ली।